से मना करने पर उसने घर ही छोड़ दिया। विद्यार्थी के सकूलों मिलने से पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली है। न्यू मार्गीनगर नगर क्षेत्र एनआईटी क्वार्टर निवासी विजय दूधकर निजी ट्रैवल में कंपनी में कार्यरत है। उनकी पत्नी किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत है। उनका बेटा अभिजीत 16 साल का है, 12वीं में अध्ययनरत है। शनिवार को दोपहर 2 बजे कॉलेज से घर आने के बाद अभिजीत पढ़ाई करने के बजाय पतंग उड़ाने लगा। अभिजीत को पतंग उड़ाते देख पिता विजय ने उसे फटकार लगाई और पतंग उड़ाने से मना किया। मित्रों के सामने पतंग के लिए मिली फटकार से आहत होकर मौका पाकर घर ही छोड़ दिया। खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिलने से माता पिता ने संबंधित भुर्गेश्वर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुत्रों को देखते ही नम हुई आंखें। अभिजीत की आयु कम होने से मामले को हाईकोर्ट दिशा निर्देश के तहत अपहरण की श्रेणी में दर्ज किया गया था। बेटे के गायब होने से विजय और उनकी पत्नी नींद उड़ गई थी। वे रात भर शहर में उसे तलाशते रहे। तड़के करीब 4:45 बजे रेशम बाग मैदान में पहुंचने पर वहां पर हुई कार्यक्रम जारी था। भीड़ में विजय की नजर बेटे पर अभिजीत पर पड़ी। उसी दौरान माता पिता देख रोने लगे। उन्होंने समझा बुझा कर अभिजीत को वापस घर लौट आने को कहा। आजकल के बच्चे माता पिता की बातों को लेकर ऐसे कदम कैसे उठा सकते हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी आप आज ही पैसों से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।